नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के 30 अगस्त के करंट अफेयर वीडियो को। तो फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए सब्सक्राइब रेड बटन के साथ, और जो घंटे का निशान है वो जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। सभी प्रकार के पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के 1223 नंबर करंट वीडियो को क्वेश्चन एक के साथ। और क्वेश्चन एक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए कितने वकीलों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो है 9 को। सही आंसर क्या हुआ? 9 को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए 9 नए वकीलों को अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। रिविजन क्वेश्चन करते हैं, लास्ट डे के पहला रिविजन क्वेश्चन होगा। हाल ही में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही जो रिकॉर्ड था उसको फिर तोड़ दिया है? तो है दक्षिणी कोरिया ने। उसकी जो प्रजनन जो दर है वह इतने से भी कम रह गई है। कौन सी एयरलाइन है जो हाल ही में CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित परीक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है? तो वह एयर एशिया इंडिया एयरलाइन। किस राज्य में 500 मेगावाट की दुगर जल विद्युत परियोजना और 42 मेगावाट की बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वह हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय युवा पुरुष युगल जोड़ी ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो वह सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। रूस की जो परमाणु ऊर्जा कंपनी है रोसटॉम, वो किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? तो वह हंगरी के अंदर। किसने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो किसने? तो वह करीम बंजेमा और अलेक्सिया पुटिलेक्स ने। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किने ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के चलते गोल्ड मेडल एवं चांदी का सिक्का देकर उन्हें सम्मानित किया? तो सही आंसर है गुरभेज सिंह ढिल्लो। राइट आंसर रहेगा डी, यानी गै गुरभेज सिंह ढिल्लो। सुप्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य एवं वास्तुविद गुरभेज सिंह ढिल्लो हरियाणा राज्य के शीर्षक के सुप्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य एवं वास्तुविद गुरभेज सिंह ढिल्लो को हाल ही में ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के चलते स्वर्ण पदक एवं चांदी का सिक्का देकर उनको जो सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारा 3, अखिल भारतीय काश्यत महासभा ने किसे महिला प्रकोष्ठ के मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया? तो किन्हें? तो वह डॉक्टर वनीता श्रीवास्तव को। सही आंसर होगा कै, डॉक्टर वनीता श्रीवास्तव ने भारत देश की प्रमुख संवाद समिति यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो में पत्रकार के तौर पर एवं दिल्ली में विभिन्न समाचार माध्यमों से जुड़ी रही। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों के संन्यास लेने की घोषणा की? किसने? तो राहुल शर्मा ने। सही आंसर होगा राहुल शर्मा। उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 28 अगस्त को ये घोषणा की, सभी प्रारूपों से संन्यास की। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया? तो किसके साथ हुआ है? ब्लॉक नट्स के साथ। सही आंसर होगा घ, राइट आंसर रहेगा डी। टाटा पावर दिल्ली कॉरपोरेशन डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने हाल ही में बिजली वितरण क्षेत्र में योग्य एवं परीक्षित मानव बल तैयार करने की अपनी दृष्टिकोण के अनुरूप ब्लॉक नट्स के साथ समझौता किया है। आगे देखें आज के क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको देने नीचे कमेंट में, और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम देंगे अगले वीडियो में। टोटल आपके लिए कितने क्वेश्चन आज के? तो है 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या, तैयार हो जाएं आंसर देने के लिए। पहला क्वेश्चन, कौन लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? जो लुसाने डायमंड लीग है उसको जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने 2022 की, तो कौन से खिलाड़ी है वो बने? नीरज चोपड़ा, PV सिद्धू, बजरंग पुनिया या रवि कुमार दहिया? फटाफट आंसर कहे।
लुसाइने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा, पीवी सिद्धू, बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया। फटाफट आंसर कर दें कमेंट में। और दूसरा क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको साथ में करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि किसे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा? तो रंजन गोगोई को, उदय उमेश ललित को, रामनाथ कोविंद को या विनीत सरन को? तो किसको नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चन के आंसर है वो आप क्रमशः जो है एक ही कमेंट के द्वारा भी दे सकते हैं। तो फटाफट आंसर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस नई वेबसाइट की शुरुआत की गई है? तो किसकी? तो है से आंसर कै स्वच्छ सागर की। राइट आंसर होगा कै। जो भारत सरकार ने तटीय स्वच्छता अभियान उसको और बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट का अनावरण किया है। पोर्टल है www.swachhsagar.org। सफाई मिशन और बढ़ावा देगा। सरकार के अनुसार अभियान के पहले 20 दिनों के अंदर 200 टन से ज़्यादा कचरा मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक समुद्र तटों से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 7 प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने किस राज्य के अंदर भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे? गुजरात के अंदर। गुजरात है वहाँ पर जो है भारत का पहला भूकंप स्मारक स्थापित किया गया और उसका उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह मोदी ने। नरेंद्र सिंह मोदी ने गुजरात में समृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला भूकंप स्मारक है। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2001 के विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए साहसों को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें 13,000 लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद की खिलाड़ी पर मनाया जाता है। हॉकी के खिलाड़ी हैं भारत के। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उनके सम्मान को देने के लिए ये मनाया जाता है। आज की जो हमारी राजस्थानी कहावत है वो देख लेते हैं कि अंधेरी गफी बोली रो बटको, राम छुटावे तो छुटे नहीं माथो यहीं पटको। अर्थ है अंधे और जो बहरे आदमी है उससे पिंड छुटाना कठिन कार्य होता है। अंधेरी गफी बोलरो बटको, राम छुटावे तो छुटे नहीं माथो ये पटको। मतलब होता है इसका क्या कि अंधेरे हो जो अंधे और बहरे आदमी होते हैं उससे पिंड छुटाना जो क्या है बहुत कठिन कार्य होता है। ये पिंड का मतलब होता है उससे खेड़ा छुटाना या पिंड छुटाना, मतलब उससे आपको निजात पाना बहुत ही कठिन कार्य होता है, उससे निकलना बहुत ही क्या होता है कठिन कार्य होता है। देखते हैं पिछली वीडियो को दोनों क्वेश्चन और सही आंसर करने वाले विजेताओं का नाम। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सही आंसर था गय और सही आंसर है समीर वी कामत। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अनंगताल झील का राष्ट्रीय महत्व का समारोह घोषित कर दिया गया, तो यह झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सही आंसर था खै, दिल्ली के अंदर। राइट आंसर क्या था? खै। यानी जिन्होंने गय और खै आंसर दिया है उनमें सही आंसर है मनीष शर्मा, तुषार पटेल, ए टॉप ब्रेकिंग न्यूज और तुसीन सिख। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब रेड बटन के साथ जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।